फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यू नो कि हम लोग वॉयस पढ़ रहे हैं और वॉयस का आज तीसरा क्लास है। फ्रेंड्स आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छा से वॉयस क्या होता है, उसके डिफिनीशन क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सेकेंड क्लास में हम लोग देखे थे नोट वन और टू, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नोट थ्री। नोट वन और नोट टू क्या कहता था? नोट वन में बताया गया था हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उसका वॉयस कैसे बनाया जाता है। इसके बाद मैंने कल बताया था यदि कोई सेंटेंस होम से शुरू होता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप वहाँ जाकर प्ले प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो प्ले लिस्ट में ये सब का सब आपका क्लास दिया हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्ले लिस्ट या व्हाट्सअप करिए, आप मेरे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स ठीक है ना, तो आइए मैं आज के क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स नोट नंबर थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा को एग्जाम हो और उससे यह क्वेश्चन ना पूछा जाए यह संभव नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स ठीक है ना, तो देखिए नोट नंबर थर्ड क्या कहता है। फ्रेंड्स यदि किसी सेंटेंस है ना, यदि किसी एक्टिव वॉयस का सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉयस में हो, अगर कोई सेंटेंस हो उसका अगर एक्टिव वॉयस हो और उसका सब्जेक्ट के स्थान पर पीपल हो, क्या हो फ्रेंड्स? पीपल हो, रबर हो, थीफ हो, नो वन हो, एनी वन हो, समॉन हो, एवरी वन हो, है ना, या एवरीबॉडी हो या नोबॉडी हो, तो उसका पैसिव वॉयस बनाते समय सेंटेंस के अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट कह सकते हैं या बाई प्लस एजेंट कह सकते हैं, मतलब जो कार्य करता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको याद रखना है नोट वन टू और थ्री यह एक ऐसा नोट है फ्रेंड्स कि पूरे टेंस और पूरे रूल्स में काम होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए मैं सोचा कि स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको। आपको याद रखना है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल चल रहा है उसको आपको याद रखना है कि आपको जो है यह रूल सबके लिए है। मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल किया हूँ इसलिए प्रेजेंट टेंस बता रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे भी लागू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पर भी लागू होता है ना, सिंपल पास्ट पे भी लागू होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पे भी लागू होता है, चाहे कोई स्पेशल रूल आता है मॉडल्स भर में उस पर भी लागू होता है। इसलिए आपको इस नोट वन टू थ्री है ना, और आपको एक रूल मैंने बताया था कल जो है किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप याद रख लीजिए कि यह जो है अगर कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के स्थान पर ये सब आपका इनडिफिनिट है, क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर यह इनडिफिनिट प्रोनाउन आता है तो हम सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है पीपल हेल्प मी, लोग मुझे मदद करते हैं, ठीक है ना, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स भी हो सकता है ना, मॉडल्स भर में भी हो सकता है। यह रूल सबके लिए है। जैसे पीपल हेल्प मी, लोग मुझे मदद करते हैं, तो आपको पता है ना कि सबसे पहले आई लेते हैं तो लिखेंगे आई, आई के साथ लगता है एम, आई एम हेल्प, बाई पीपल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? कि जब लोग मुझे मदद करते हैं तो सब लोग आ गए, थर्ड पर्सन है और इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए सिर्फ हम आई एम हेल्प लिखेंगे। परीक्षा में कई बार यह क्वेश्चन आता है आई एम हेल्प, उसके बाद बी में आएगा आई एम हेल्प बाई पीपल, उसके बाद आएगा आई हेल्प्ड, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, मैंने कम से कम आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसमें आपको देखकर बताना पड़ता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो पीपल हेल्प्ड, पीपल हेल्प मी, तो आई एम हेल्प। अगर मान लीजिए कि अगर सेंटेंस आ गया कंटिन्यूअस में पीपल आर हेल्पिंग मी, तो आई एम बींग हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी मैं वॉयस शुरू करूँगा, अभी बताऊँगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा सेंटेंस। तो जब भी जैसे पीपल अगर आ गया तो पीपल के साथ अगर हैव आ गया, पीपल हैव हेल्प्ड मी, तो आई हैव बीन हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब आपके रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। नो वन लव्स डेबिट, डेबिट से कोई प्यार नहीं करता है, तो डेबिट सबसे पहले लिखेंगे तो डेबिट इज नॉट, जब नो लगे है पहले इसलिए हम नॉट लगाएंगे क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे डेबिट इज नॉट लव, डेबिट से प्यार नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आता है ना, जैसे नो वन इज लविंग डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट इज नॉट बीइंग लव्ड, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है परीक्षा में, लिखा है फ्रेंड्स एवरी वन लर्न्स इंग्लिश, मतलब प्रत्येक जो है इंग्लिश सीखते हैं,
है ना, तो इंग्लिश इज लर्नड, है ना, आपको याद रखना है। बाई एवरी वन का प्रयोग नहीं करना है, तो नो वन समॉन बाई, है ना, नो वन समॉन एवरी वन, है ना, पीपल रबर थीप ये सब आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, डज एनी वन लाइक यू, कि आपको कोई पसंद करता है, डज एनी वन लाइक यू, तो आपको कल मैंने बताया था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डज एनी वन लाइक यू, तो सबसे पहले इसके अनुसार इजार हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आर यू, आर यू, और तब लिखेंगे ए लाइक ए डी, आर यू लाइक्ड क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आर यू लाइक्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, आर यू लाइक्ड, क्या आपको पसंद किया जाता है, और बाई एनी वन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह रूल समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यह रूल सबके लिए है, जो नोट 1, 2, 3 और 4 बता दिया गया, यह नोट सबके लिए है। अब आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं आगे क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सफर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने आपको इसमें नोट 1 बताया था हु से शुरू होने वाले सेंटेंस, नोट 2 में बताया था हुम से शुरू होने वाले सेंटेंस, और यह नोट 3 हो गया, इसके पहले मैंने बताया था कौन सा किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद से इजार एम का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि जब भी इजार एम अगर आ जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर इसी सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ वर्ब 1 या 5 दे देगा तो आप वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब आपको पता करना है इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अब क्या होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिखा है, सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग अभर थ्री बाई प्लस यहाँ, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए यहाँ मैंने लिखा है, क्रिकेट पहले लेंगे, क्रिकेट के साथ इज लगेगा, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम हो जाएगा पहला। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, अब देखिए लिखा है भोलू इज मेकिंग अ डॉल, है ना, भोलू इज मेकिंग अ डॉल, मतलब भोलू एक गुड़िया बना रहा है, तो सबसे पहले डॉल लिखेंगे ना, तो लिखेंगे ए डॉल इज बीइंग मेड बाई भोलू, ए डॉल इज बीइंग मेड बाई भोलू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लिखा है ही इज किलिंग अ बर्ड, तो ए बर्ड सब्जेक्ट है, तो उसको हम लेंगे अब ए बर्ड इज, लिखेंगे ना फ्रेंड्स, ए बर्ड इज बीइंग किल्ड बाई हिम। अब देखिए लिखा हुआ है माई सन इज टेकिंग, है ना, टॉकिंग मी, क्या लिखा है, देखिए लिखा हुआ है माई सन इज टेकिंग मी होम, है ना, मेरा लड़का मुझे घर ले जा रहा है ना, मेरा लड़का मुझे घर ले जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, आई एम बीइंग टेकन अवे, आई एम बीइंग टेकन होम बाई माई सन, मतलब मुझे घर ले जाया जा रहा है अपने लड़के के द्वारा, इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर हेल्डर, है ना, इज टीचिंग अस, तो वी आर बीइंग टॉट बाई मिस्टर हेल्डर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको याद रखना है सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद उसके अनुसार इजार एम लगाएंगे, बीइंग जरूर लगाएंगे, वर्ब 3 बाई प्लस ए। अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया, है ना फ्रेंड्स, क्या आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे इसी तरह का निगेटिव सेंटेंस आ गया, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो जो आप यहाँ लिखे थे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, तब यहाँ लिख देते क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, है ना, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम, इस तरह से लिख देते। अगर इंट्रोगेटिव आ जाता इस तरह का सेंटेंस, आर यू, है ना, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तब कैसे ले, जैसे आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तब लिखते हम यहाँ इज, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम, इस तरह से बना लेते। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आता, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, पी एल ए वाई आई एन जी, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, सी आर आई सी के टी, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, बाई होम लिखेंगे ना, अब बाई होम इज क्रिकेट, सी आर आई सी के टी, बाई होम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, मैंने आपको सेंटेंस बताया था हु और होम से कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो है यह बात समझ में आ रहा होगा, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, अगर आ जाता पी ई ओ पी एल ई पीपल, है ना, पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग क्रिकेट, पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, तब खाली लिखते यहाँ जो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड लिखते, बाई पीपल नहीं लिखते, आप याद कीजिए, अभी मैंने रूल बताया है। ठीक है ना, जैसे नो वन इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता फ्रेंड्स, नो वन इज प्लेइंग
क्रिकेट आ जाता है, नो वन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो लिखते क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, आपको याद रखना है। जिस तरह से मैं आपको रूल समझा रहा हूँ उस तरह से आपको याद रखना है। आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड्स, हु से सेंटेंस, हुम से सेंटेंस, नो वन से सेंटेंस, समवन से सेंटेंस आपको बनाना है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस। अब आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता होना चाहिए हैज हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम नहीं लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है और हैज हैव के बाद वर्ब थ्री लगता है, सब्जेक्ट लगता है। जैसे श्रेया हैज बॉट ए कार, मान लीजिए लिखा हुआ है श्रेया हैज बॉट ए कार लिखा है, तो इसका पैसिव वॉइस आप देखिए जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। श्रेया हैज बॉट ए कार, तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन लिखेंगे, उसमें बीइंग लिखते थे, क्या लिखते थे, बीइंग लिखते थे, इसमें बीन लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग, बीन लिखेंगे, तो लिखेंगे अब यहाँ, अब लिखा है एक कार है तो एक कार यहाँ लिखा है, और यहाँ श्रेया के साथ हैज लगा था तो एक कार के साथ भी हैज होगा, तो एक कार हैज बीन बॉट बाई श्रेया, ठीक है ना। एक कार हैज बीन बॉट बाई श्रेया मतलब एक कार श्रेया के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है ना, खरीदी गई है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज ब्रोकन माई पेन, कई बार परीक्षा में आया क्वेश्चन ही हैज ब्रोकन माई पेन, तो माई पेन जो है ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे माई पेन हैज बीन ब्रोकन बाई हिम, है ना, माई पेन हैज ब्रोकन बाई हिम। इस तरह अगर क्वेश्चन आ गया कि समॉन क्या आ गया, समॉन हैज ब्रोकन माई पेन, तो लिखेंगे माई पेन हैज बीन ब्रोकन, माई पेन हैज बीन ब्रोकन बाई समॉन नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए तीसरा सेंटेंस लिखा है हैव यू शट द डोर, हैव यू शट द डोर, कि आपने दरवाज़ा को खड़ा कर दिया है या बंद कर दिया है, तो देखिए लिखा है हैज द डोर बीन शट बाय यू, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है सी हैज चीटेड ए रौनक, है ना, उसने रौनक को चीट किया है, तो रौनक हैज बीन चीटेड बाय हर, इस तरह के सेंटेंस बनाए। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो उसको बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड्स आ गया तो उसको बनाएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड्स कैसे बनाया जाता है आपको मैंने बताया है सेंटेंस फर्स्ट में। जैसे लिखा है दे हैव आस्क मी, दे हैव आस्क मी, उन लोगों ने मुझसे पूछा है, तो आई हैव बीन आस्क बाई देम, है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ, हैव दे आस्क मी, हैव दे, है ना, आस्क्ड, ए एस के ई डी, आस्क्ड मी, हैव दे आस्क मी, तो यहाँ मी अगर सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तब लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हैव आई बीन, हैव आई बीन आस्क्ड, ए एस के ई डी, आस्क बाई देम, इस तरह का सेंटेंस बना लेंगे। अब बच्चे नहीं हैं, हर एक बात पर ध्यान दे सकते हैं और क्या बताया जा रहा है आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से आपका टोटल प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया। और हम कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का, ठीक है ना फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट का पढ़ेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह क्लास आज का आपका बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आज तक और अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी भी 100 मार्क्स का पढ़िए इवनिंग में, और 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़िए मॉर्निंग में, और कुछ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊँगा, तब तक मैं पहले कोर्स पूरा कर लूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा भी आगे लगेगा, ठीक है ना। इस क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे फ्रेंड्स, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।